विशेष सत्र बुलाया गया है हरियाणा विधानसभा का। ट्रेनिंग कार्यक्रम में पहुंचे हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और वो वहां पर संबोधित कर रहे हैं सभी सदस्यों को, विधानसभा के सभी सदस्यों को। हरियाणा के विधायकों की ट्रेनिंग का दूसरा दिन है। एक अहम खबर इस वक्त की, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनसे विचार साझा कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि किस तरह से सदन की कार्यवाही चलती है। और ये भी उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में सभी की हिस्सेदारी सकारात्मक तरीके से बहुत जरूरी है। हरियाणा राज्य की संस्कृति में ज्ञान का भंडार है। ये विषय आता है कि विधानसभा के अंदर किस तरीके से वाद विवाद हो, संवाद हो, चर्चा हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि तर्क वितर्क बहुत अच्छे है, पक्ष विपक्ष भी होता है, और संक्षिप्त के अंदर इन विधानसभा लोकसभाओं के अंदर जितने भी हमारे सदस्य रहे, उन्होंने जिस तरीके की संवाद की, चर्चा की, निश्चित रूप से दुनिया के अंदर भारतीय लोकतंत्र मजबूत इसलिए रहा कि यहाँ पर हर विषय पर खुलकर चर्चा होती थी। पक्ष भी होता था, प्रतिपक्ष भी होता था, तीखे प्रहार भी होते थे, व्यंग भी होते थे, लेकिन जब देश का सवाल आता था तो विधान मंडल और लोकसभा एक साथ मिलकर देश के इन मूल्यवान विषयों पर एक साथ खड़ी भी होती थी। और इसीलिए सदन जो हमारे हैं वो राज्य का, जनता की आवाज का मंच है, इसको ठीक से सुचालन करें, ये स्वस्थ लोकतंत्र का हमारा प्रयास होना चाहिए। हमने कोशिश की है कि सारे विधानमंडल और लोकसभा एक साथ बनाने का काम करें। अभी कुछ दिन पहले हमने देहरादून में चर्चा की थी, हमने कहा था किस तरीके से विधानमंडल के अध्यक्षों की भूमिका निर्वाध भी रहे और निष्पक्ष भी रहे। और इसीलिए हमने कहा कि कई विषयों पर जो हमारे असीमित अधिकार हैं, उन अधिकारों को सीमित करने की भी चर्चा हमने की है। लोकतंत्र में लोग अधिकार मानते हैं और अधिकार बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन हमारे पीठासीन अधिकारियों के बीच में संवाद हुई, चर्चा हुई और बहुत अच्छे तर्क के साथ हुई कि किस तरीके से हम निष्पक्ष बने, निर्वाध रहें। इसके लिए पीठासीन अधिकारियों के अधिकार सीमित होना चाहिए और ये अधिकार सीमित एक अच्छे लोकतंत्र की परंपरा को कायम रखेंगे, ताकि किसी कोर्ट को टिप्पणी करने की आवश्यकता न पड़े। और इसीलिए हरियाणा विधानसभा ऐसे गौरवमयी विधानसभा रही है, इसका अपना एक इतिहास रहा है और इस इतिहास को हम उदाहरण दे सकते हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र की धरती, कर्मयोग की धरती, गीता ज्ञान की धरती एक संदेश दे पूरे देश के अंदर कि छोटी विधानसभा होने के बाद भी एक लंबा सत्र, विधायी कार्य में एक लंबा संवाद, चर्चा, प्रदेश के हर विषय पर एक लंबी चर्चा संवाद, जनता की समस्याओं के प्रति भी एक लंबा संवाद चर्चा। और मुख्यमंत्री जी ने तो एक बात और शुरू की है कि बजट के पहले भी, प्री बजट पर भी विधानसभा में चर्चा हो, संवाद हो, सभी माननीय जनप्रति अपनी अपनी जनता की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं को सदन के माध्यम सरकार तक पहुंचा सके। बजट अनुमान के अंदर सरकार को अपने महत्वपूर्ण सुझाव दे सके, ये काम भी मेरी शायद में देश की पहली विधानसभा में ये काम भी एक नई शुरुआत होगी, जो एक मील का पत्थर साबित होगा। और इसीलिए हमारी समितियां, यहाँ कई लोग
विधानसभा के माननीय सदस्य हैं, हमारी संसदीय समितियों की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। उन संसदीय समिति के अंदर जब माननीय सदस्य आता है तो अच्छी चर्चा करता है, संवाद करता है, अच्छे सुझाव देता है, और उस संसदीय समितियों के अंदर दल से ऊपर उठकर राज्य और देश के हित में चर्चा होती है। और इसलिए हर राज्य के अंदर विधानसभा की संसदीय समितियों को भी अगर हम और जवाबदेही बनाएंगे तो और लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास भरोसा बढ़ेगा। जनप्रतिनिधि अपनी बात उन संसदीय समितियों के माध्यम से अपने अपने क्षेत्र की बात भी रख सकते हैं और उस विभाग पर, विभाग की कार्यपालिका पर, उसे बजटीय प्रावधान पर भी व्यापक नियंत्रण करते हुए एक पारदर्शी ईमानदार सरकार को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका संसदीय समितियों की भी हो सकती है। इसके लिए भी हमें एक प्रयास करने की आवश्यकता है। इस मौके पर दो दिन तक चला ये सत्र निश्चित रूप से हम सब के लिए जहां नया अनुभव प्राप्त करने का भी होगा, और के साथ जब लोग बैठते हैं तो अपने अपने अनुभव साझा करने का प्रयास का एक लोकतंत्र का मंदिर होता है, मंच होता है, और विधानसभाएं इसी तरीके से एक विधानसभा के अंदर हो चाहे संसद के अंदर हो, आप राज्य पूरे देश का चित्रण इन विधानसभाओं के सत्रों से पूरे राज्य के बारे में जानकारी का भी मात्र साधन है विधानसभा हो सकते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधियों का सीधा संवाद जनता से होता है, उनको जानकारी रहती है जो सरकार नीतियां बना रही है, नीतियों को किस तरीके से जनता को लाभ मिल रहा है, वो भी जनता। चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के अंदर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला तमाम सदस्यों को संबोधित कर रहे थे। एक विशेष सत्र बुलाया गया है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और प्री बजट को लेकर भी एक विशेष रूप से सत्र बुलाया गया, उसकी भी उन्होंने तारीफ की कि ये भी अपने आप में एक अलग मिसाल पूरे देश में होगी।